हेलो फ्रेंड, मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ एक डायनेमिक स्टेप चार्ट को डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से कि चार्ट आप क्रिएट करें वो आपका एक स्टेप की तरह लगे। आप देख रहे होंगे कि आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है जिसका नाम है डे वाइज सेल चार्ट। आज तक आपने लाइन चार्ट जब भी यूज करा था तो वो हमेशा इस तरह से ऊपर नीचे होके दिखता था, लेकिन इस तरीके से आपको कभी नहीं दिख रहा होगा कि पहले इधर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर आपको यहाँ पर लेबल है, फिर आगे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके का आपने कभी भी लाइन चार्ट नहीं दिखा, और यही एक्सेल के अंदर ना ही इस तरह का कोई फॉर्मेट है। तो आज हम आपके साथ इस सेशन में एक डायनेमिक स्टेप चार्ट डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से एक्सेल की मदद लेकर एक स्टेप चार्ट कैसे बना सकते हैं। और ये पूरा डायनेमिक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे चार्ट की अपने आप रेंज चेंज होगी और ये इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा, जस्ट लाइक इस तरीके से। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जो है डायनेमिक स्टेक चार्ट। आपको क्या करना है, आपको इस डाटा को कॉपी करना है कंट्रोल सी करके, और एक नई शीट बनानी है कंट्रोल वी करके देखना है। सबसे पहले आपको अपने डाटा की लास्ट कॉलम पता होने से कितना है, आपका लास्ट कॉलम 35 है। यहां आपको लिखनी है डेट, क्योंकि आपको सपोर्टिंग कॉलम चाहिए होंगे, डेट सेल और साथ साथ यहां पर चाहिए डाटा लेबल। तो मैंने इस तरीके से ये बना दिया। अब ये तो बन गया, लेकिन सबसे पहले हमें चाहिए स्क्रॉल बार, तो हम डेवलपर पे जाएंगे। डेवलपर लाने के लिए आपको पता है फाइल में जाना होता है, ऑप्शन में जाना होता है, और यहां मिलता है हमें क्या, कस्टमाइज रिबन के अंदर शो डेवलपर टैब इन द रिबन। बस आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका डेवलपर टैब आ जाएगा, और यहां जाकर एक आपको स्क्रॉल बार लानी है। आप शिफ्ट के आप क्या करें, इसको डिलीट करें, दोबारा डेवलपर में आए, क्लिक करें, और यहां से इस तरीके से एक स्क्रॉल बार ड्रॉ कर लेंगे। ये स्क्रॉल बार आ गई। अब आपको इस पर राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाना है। मिनिमम कितनी वैल्यू देखोगे, मैंने कहा मैं एक से स्टार्ट करूंगा। मैक्सिमम कितने तक चलना है, मैंने कहा मैक्सिमम टोटल 37 27 तक चलना है। सर क्यों, तो बताता हूँ। इंक्रीमेंट कितना, 1, और एक बार में कितना देखना चाहता हूँ, मैं एक बार में 7 दिन की रेट देखना चाहता हूँ। और मैंने यहाँ पर इसे क्लिक कर दिया P1 से, ये लिंक हो गया, और मैंने इसे ओके कर दिया। क्यों सर, टोटल डाटा आपका कितना था, 35। अगर मैं एक बार में 7 देखूंगा तो कितने और चाहिए होंगे, टोटल 28 चाहिए होंगे। तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे जाओ और इसे आप कितना कर दो, 28 कर दो। तो इस तरीके से अब क्या होगा, जब तुम लास्ट 27 पे आओगे वो ऑटोमेटिक 7 प्लस करके 35 कर देगा। तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। क्लियर है? अब यहां से आप डेट बढ़ा सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, अब आपका नेक्स्ट काम है अपने डाटा को रेडी करना है इससे। तो आप कॉमन सी बात है, किसकी मदद लेंगे, आप लेंगे इंडेक्स की मदद। कहेंगे इस एरिया में जाओ और तुम इसमें +1 करके मुझे वैल्यू दिखा दो। सर +1 क्यों, +1 ये क्योंकि इसके अंदर एक हेडिंग भी तो है, हेडिंग को जोड़ के चलो, एंटर मारो, नीचे आ जाओ। नीचे आया और यहां से फिर कॉलम नंबर 1 कर दो, तो ये आपको डेट दे देगा। लेकिन देखिए मैंने 27 सही रखा था, क्यों, क्योंकि मेरा एक पर क्या था, हेडिंग थी। चलो कोई नहीं, एक ब्लैंक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कंट्रोल शिफ्ट हैश करो, इसे डेट फॉर्मेट में कर दो, ये आ गया। अब इसके बाद पहले दो कॉलम को F4 करके फ्रीज कर दो, P को भी फ्रीज कर दो। ओके, अब नीचे जाएगा तो ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक ट्रिक यूज करूंगा, मैं हर डेट को 2 बार लिखूंगा, मैं हर डेट को 2 बार लिखूंगा। क्लियर सर, किस लिए वो बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हर डेट को 2 बार लिखो, ये हो गया। इसे नीचे ड्रैग करो, जहां 1 था इसे 2 कर दो, नीचे ड्रैग करो 2 रहने दो, इसे नीचे ड्रैग करो, इसे 3 कर दो, इसे 3 कर दो, इसे ये कर दो, यहाँ 4 कर दो, दिस वन, ठीक है, यहाँ आप 5 कर दो, ठीक है, जस्ट लाइक दिस वन। इस पर क्लिक करो, यहाँ 6 कर दो, यहाँ 6 कर दो, ठीक है, यहाँ 7 कर दो, एंड यहाँ 7 कर दो, जस्ट लाइक इस तरीके से रेडी हो गया। अब आप वी लुकअप लगाओ और बोलो वी लुकअप इस वैल्यू को लुकअप करो, कहाँ से, इस वैल्यू को लुकअप करो इस डाटा से, और कॉलम नंबर 2 की वैल्यू को दे दो। तो इसने दे दिया, और इस फार्मूले को नीचे तक ड्रैग कर दो। अब ये आपका एक डाटा जैसा चार्ट रेडी हो गया। क्लियर है? लेकिन क्या है, जो हम ये लाइन आपको दिखा रहे थे ये बेसिकली 2 लाइनें, एक लाइन तो यहां से चल रही है, दूसरी बिल्कुल सीधी जा रही है, क्योंकि
फिर ये नीचे ड्रॉ हो रही है। तो इस तरीके से हमने हर डेट को दो बार रखा ताकि हमारा लाइन चार्ट वो जिगजैग वाली लाइन ना बनाए। क्लियर है? लेकिन हमें पहले के साथ तो नहीं करना ना, पहले तो जहां से स्टार्ट होगी वो तो कॉमन रहेगी। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे फार्मूले को उठाएंगे, यहां से कट करेंगे और इसको पहली डेट पर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमें पहली डेट हमेशा यूनिक चाहिए, तो हमने यहाँ रख दिया। क्लियर है? इस तरीके से बन गया। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये तो डेट 25 हो गई, लेकिन जब ये 7 चले तो पहली डेट यहाँ पर आ जाए, मतलब पहला 25 चले फिर आपका 464 आए, ताकि वो जिगजैग लाइन ना बने। तो हम यहाँ पे कंडीशन एक फार्मूला बताएंगे। आपको पता होगा एक होता है इज इवन करके फार्मूला, या आपने एक इवन फार्मूला सीखा था मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक कैटेगरी में। आप यहाँ पर इवन लिखें, ठीक है, मैंने लिखा इज इवन, ठीक है, ये रहा इवन, तो आप ऐसे लिखें इवन, तो आप जैसे इंटर मारते हो वैसे क्लिक करते हो या कोई नंबर देते हो तो इवन बता देता है, और अगर कोई नंबर नहीं देते तो ब्लैंक दिखाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इज इवन का फार्मूला लेंगे। हम कहेंगे इज इवन, अगर मैं इसके अंदर कोई रो नंबर टाइप कर दूं तो ये बता देगा, अगर आप दो नंबर पे होगे तो ट्रू, लेकिन तीन नंबर पे करोगे तो फॉल्स, नीचे जाओगे तो ट्रू, नीचे यहाँ जाओगे तो फॉल्स। इससे बेनिफिट क्या हुआ, पहले वाले पर तो हमें ट्रू डाटा मिल जाएगा और दूसरे वाले पर हमें क्या मिल जाएगा, फॉल्स। और जब फॉल्स मिलेगा तो हम वहां पर इफ की कंडीशन लगा के कह देंगे इफ जब हमारा डाटा फॉल्स मिलेगा तो अपने से ऊपर वाली वैल्यू को दिखाना। अब चलिए हम कंडीशन बनाते हैं, फार्मूला बनाते हैं। हम कहते हैं इफ, क्या बोलते हैं इफ, इफ के अंदर हम बोलेंगे क्या इज एरर, सॉरी इज इवन, और इवन के अंदर रो बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इवन के अंदर रो, अगर ये रो आती है मतलब रो नंबर 2, 4, 6 आता है तो तुम इस वाली वैल्यू को चलाना, किस वाली वैल्यू को चलाना, तुम इस वाली वैल्यू को दिखाना, अदरवाइज अपने से ऊपर वाली वैल्यू को दिखाना। और मैंने इस तरीके से इसे ड्रैग करके नीचे तक कर दिया। लेकिन अब इस फार्मूले को पहले मैं कॉपी करूंगा और वहां जाकर पेस्ट कर दूंगा। मैंने यहाँ कॉपी करा और यहाँ जाकर मैंने कंट्रोल के की जगह इसको पेस्ट कर दिया और कंट्रोल बी कर दिया। हो गया, इस फार्मूले को कॉपी करा और यहाँ जाकर कंट्रोल बी कर दिया। लेकिन अभी के वन है, देखिए लिंक हट गया ना, इसको लिंक कर दें इसके साथ दिस वन, ठीक है। ये जो आपका आ रहा है ना रेफरेंस, रेफरेंस में आप क्या करें, इसको रेफरेंस दे दें दिस वन, आ गया। अब क्या करें, इस तरीके से फार्मूला रेडी हो गया और नीचे तक ड्रैग कर दें। अब इस फार्मूले को थोड़ा ध्यान दो, पहली डेट 275, लेकिन जब 7 आई और वो रिपीट थी तो यहाँ कितना दे दिया उसने, 275। फिर नई नई जो 7 आई उसमें के अंदर उसने कितना दिया, 464। जब 8 आई तो उसने ऊपर वाली वैल्यू को पिक कर लिया, फिर 9 आई तो उसने ऊपर वाली को पिक कर लिया, लेकिन एक बार 9 को उसने क्या दिखाया, यूनिक दिखाया। इस तरीके से 10 को ऐसे करा, 11 को, 12 को, इस तरीके से बना। तो ये हमारा एक चार्ट और एक डायनेमिक चार्ट बन जाएगा। अब होगा क्या, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा यहाँ डेट चेंज होगी, जो पहली डेट होगी मतलब जो ऑड नंबर की डेट होगी उसमें हमेशा ये ऊपर वाली वैल्यू पिक करेगा, और जो इवन नंबर की होगी उसमें वो वी लुकअप से एक्चुअल वैल्यू को पिक करेगा। अब बस क्या करना है, इस फार्मूले को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है। जब ये फार्मूला कंट्रोल वी करके पेस्ट हुआ, जहां आपने के वन करा था वहां पर आप ब्लैंक कर देना, कि अगर वहां ट्रू ना आते हुए फॉल्स आएगा तो वहां आप ब्लैंक रखना। ये आपका चार्ट रेडी हो गया। अब आप क्या करें, अब इसको उठाकर आप यहाँ पेस्ट करें, एरिया को सिलेक्ट करें, इसको ये एरिया आपका सिलेक्ट हो गया, इंसर्ट में जाएं, लाइन चार्ट में जाएं और यहाँ से कोई भी एक चार्ट क्रिएट कर लें। तो ये जस्ट लाइक इस तरीके से चार्ट क्रिएट हो गया। क्रिएट हो जाने के बाद आपको फॉर्मेट में जाना या फिर डिजाइन में जाना है, और आपको दो भी चार्ट पसंद है आप वो ले सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्मेट में जाकर आपको जो भी कलर पसंद आता है आप वो कलर सिलेक्ट करें और यहाँ पर रख दें। मैंने ये कलर सिलेक्ट करा, इसके बाद मैं इसके चार्ट टाइटल पे गया, मैं इसके ग्रिड लाइन पर गया और मैंने इस तरीके से हटा दिया। मैं इसके बाद इसके डेट पर भी आया, राइट क्लिक, फॉर्मेट पे गया, लाइन पे आया और मैंने इसे नो लाइन कर दी, और इस तरीके से चार्ट को देखा। देखने के बाद चार्ट के साइज को थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगा ताकि चार्ट मुझे थोड़ा देखने में अच्छा लगे, ठीक है। इसके साथ साथ मैं इस चार्ट की जो विड्थ है इसे सिलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इस चार्ट को ऊपर ले जाता हूँ ताकि वो जो हेडिंग है ना या जो डाटा है वो हाइड रहे। तो इस तरीके से हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा,
लाइन को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट में जाऊंगा और लाइन का जो स्टाइल है या जो शेप है मैं वो अपने हिसाब से दे दूंगा। मैंने ये लाइन दे दी, इसके बाद मैंने इसके साइज को 1.5 रखा या फिर आप 2 पॉइंट कर दें, और इसके बाद आप जो इसकी इफेक्ट रखना चाहते हैं वो अपने हिसाब से आप रखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इस लाइन को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक या फिर इफेक्ट में जाकर गिलो में जाकर एक थोड़ा सा गिलो दे देना, ताकि लाइन कुछ इस तरीके से आपको दिखे गिलो होती हुई। ठीक है, ये आपकी लाइन तैयार हो गई। अब आप क्या करें, इस पर लेबल, आप चाहते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट एरो से आए और एंडिंग पॉइंट भी एरो से आए, तो राइट क्लिक करो, फॉर्मेट डाटा सीरीज पर जाओ, फिल में जाओ और यहाँ पर बोल दो स्टार्ट विद एरो, तो आप यहाँ से ये एरो ले लो और एंड विद एरो ये ले लो, तो आपका जो स्टार्ट होगी वो जस्ट लाइक कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। अब आप चाहते हो कि इसके ऊपर लेबल आ जाए, तो आप राइट क्लिक करो, एड डाटा लेबल पे जाओ, लेबल आ गए, लेबल पर क्लिक करो, फॉर्मेट में जाओ, उसे सेंटर कर दो, ताकि लेबल आपको बिल्कुल सेंटर में दिखे। लेबल सेंटर में आ गए, इसके बाद क्या करो, फॉर्मेट में जाओ और इसका जो फिल कलर है वो जस्ट लाइक इस तरीके से कर दो। मैंने इसके अंदर फिल कलर ये ले लिया, इसको ब्लैक कर दिया और यहाँ जाकर मैंने इसको बोल्ड कर दिया, बोल्ड हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ से एजेंसी FB का फॉन्ट ले लिया, क्लियर है, और इस तरीके से मैंने इसको तैयार कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं दोबारा गया और यहाँ पर मैंने एजेंसी का ले लिया, इस तरीके से तैयार हो गया, क्लियर है। अब आप इसे ग्लो करना चाहते हैं तो आप इफेक्ट में जाएं, इसके अंदर भी ग्लो पर जाएं और सेम वही इफेक्ट ले लें जो आपने इसमें लिया था। लेकिन एक याद रखिएगा, इसमें कुछ वैल्यू आपको डुप्लीकेट मिलेंगी, तो जो आपको डुप्लीकेट मिल रही है आप उसे एक एक करके जब सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें। इसे जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर, सिलेक्ट करें, इसे सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें, इसे सिलेक्ट करें, इसे सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें। ठीक है, इसे सिलेक्ट करें, डिलीट कर दें, नीचे वाले को सिलेक्ट करें, इसको दिस वन, और डिलीट कर दें। तो ऐसे आप डिलीट कर दोगे तो फिर आपको एक यूनिक तरीके से वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है, आप इस पर राइट क्लिक करें, इसको क्लिक करें और यहां से आप क्या करें, ऑर्डर में ब्रिंग टू फ्रंट कर दो, कि हमेशा इसके ऊपर रहें, यहाँ पर रहेगा, इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर दो। ठीक है, और इस पर अब आप क्लिक करोगे तो ये आपका चार्ट कुछ जस्ट लाइक इस तरीके से मिलेगा। आप चार्ट तो यहाँ से कोई टाइटल देना चाहते हो तो आप इंसर्ट में जाएं, यहाँ पर क्लिक करें और क्या कर दें, यहाँ पर एक ऐड करें, ये शेप आ गई। इसके बाद सिलेक्ट करें, इसको नीचे लाएं, लिख दो आप यहाँ से, ठीक है, डे वाइज सेल। ठीक है, इसके बाद इसे क्लिक करें, इसका जो फॉन्ट है वो आप वाइट कर दो, ब्लैक पे वाइट अच्छा लगेगा। इसके बाद एजेंसी एफपी का फॉन्ट ले लो, बोल्ड कर दो और उठाकर यहाँ रख दो, कहाँ पर, चार्ट के ऊपर, क्लियर है। लेकिन साइज पर थोड़ा सा फोकस करना, साइज थोड़ा हैवी है इसका, इस तरीके से उठा के आप यहाँ रख दो, जस्ट लाइक इस तरीके से। ये आपका डेली डे वाइज सेल आपको दिखेगी और जस्ट लाइक इस तरीके से। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से एक डायनेमिक चार्ट क्रिएट करा, इसका फॉर्मेट नहीं था लेकिन हमने अपनी ट्रिक्स और स्किल का यूज करते हुए एक डायनेमिक चार्ट बनाया। अब आप करें क्या, आप व्यू पर जाएं, व्यू पर जाने के बाद इसकी ग्रिड लाइन हटा दें और हेडिंग हटा दें, तो आपका चार्ट जस्ट लाइक कुछ इस तरीके का दिखेगा, क्लियर। इसके बाद अपने हिसाब से आप इसे डैशबोर्ड और प्रेजेंटेशन जहां आप यूज करना चाहें वहां यूज कर सकते हैं, क्लियर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।